Hello, good morning from Kochi. I'm in Kerala. And क्या कहूँ, ये सबकी बकेट लिस्ट में होता है, लेकिन मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई मुझे नहीं पहचाने, मैं किसी को ना पहचानूँ, अनजान शहर हो, मैं एक लोकलाइट की तरह रहूँ, जगह को देखूँ, महसूस करूँ. और बस आ गई मैं मेरे बर्थडे वीक मंथ सेलिब्रेट करने के लिए कोची में. दिस ब्यूटीफुल बैक वाटर, एक तरफ समुंदर. अपने आप से कभी बात करने का मन करता है, अपने साथ रहने का मन करता है. एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस ब्यूटीफुल प्लेस. आई यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर माय मसाज, थ्री इन केरला डिटॉक्स, एंड स्पेंड मी टाइम विद माय सेल्फ. And the Onam Sadam continues. Wow. समुंदर की आवाज़, समुंदर की लहरें. कहते हैं समुंदर के पास रहने से आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है. एंड दिस इज़ अ पीसफुल वीक फॉर मी. आई कांट से हाउ ग्रेटफुल आई एम. पूरा हश हश, बॉम्बे के हश हश से दूर. ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. And look at the moon, and look at the sun. इतनी शांति, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर. बॉम्बे जैसे शहर में तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा. और ऐसी जगह थी, एकदम सब कुछ पास में था. सिंपल लोग, कोई किसी से बात नहीं करता, कुछ आवाज़ नहीं. एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बट अदरवाइज ऑल्सो इशारों में बात होती थी. एंड राइट नाउ इट्स ओनम फेस्टिवल गोइंग ऑन, तो उसकी सब तैयारियाँ चल रही थी. यहाँ का रोज़ लोकल खाना मैं खाती थी, फुल कोकोनट बेस, वॉट एवर द लोकल फूड इज़. एंड आई वॉज इन्जॉइंग. यहाँ के लोकल शॉप वालों से बात करती थी, किसी ने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि फुल ऑयल लगा के सिंपलिसिटी से मैं घूमती थी. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. कभी कभी ऐसे जीने का मज़ा ही कुछ और है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होंगे. वापस जाके तो बॉम्बे की हशश में घूमना ही है. अपने आप के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है. So I'm in Kerala and Onam festival is coming, and the restaurant where I'm staying, they have this order. Hello, happy Onam. Advance me. This is the restaurant area. This is the backwater. Front side is sea, back side is a backwater. नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मजा मा, वेलकम बैक टू दीपिका की चुलबुली दुनिया. लुक एट दिस इज माई बर्थडे मंथ इज गोइंग ऑन. एंड इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है डिटॉक्स करने के लिए. जहाँ मैं रह रही हूँ चिराई रिसोर्ट में, ये बीच है और ये मेरा रिसोर्ट है.
आफ्टर सच अ हेक्टिक शूटिंग, दो दो शूट करने के बाद आई थिंक दिस ब्रेक आई नीडेड. पूरा दिन मैं बस सुबह 10 बजे उठती हूँ, माई डॉक्टर है के साथ मेरी आई डी डॉक्टर साथ थेरेपी अपॉइंटमेंट होती है, आई डी माई थेरेपी 10 to 12, आई स्लीप देन आई वेक अप देन 4 o'clock दे डेट टू डे नसिया क्लीन सो टू क्लीन ऑल दिस थिंग. सो बेसिकली आई एम डूइंग डिटॉक्स. और आई थिंक सबको अपनी लाइफ में काम से थोड़ा ब्रेक लेके ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. एंड आई एम ऑल अलोन एंड आई एम वेरी हैप्पी. इट्स माई टाइम, इट्स मी टाइम एंड यू कॉन्ट मिस दिस ब्यूटिफुल. God is being kind. Stay tuned. I'll show you more. तो जब मैं यहाँ आई थी बेसिकली मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने यहाँ पे आई हूँ और केरला बहुत पॉपुलर है उसके लिए. तो जब डॉक्टर ने मेरी नाड़ी चेक की हमारे पुराने ज़माने की तरह, उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी बहुत टायर्ड है, बहुत लेथार्जिक है, हैवीनेस है बॉडी में. एंड उन्होंने मुझे ट्रीट किया, देयर इज अ मसाज थेरेपी पोटली, दे टू डू मसाज, देन हॉट पोटली से मेरी बॉडी मसाज करते थे. फिर 10 से 12 ये चलता था. उसके बाद मैं रेस्ट करती थी, लंच करती थी और 4 बजे नसिया करते थे. नसिया में दे यूज़ टू पुट फेशियल करके स्टीम लेके नोज़ में एक ड्रॉप लिक्विड ऑयल डालते थे जिससे पूरा क्लटर कफ निकल जाता है. ये कंटिन्यूस उन्होंने 7 दिन किया. टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर मी. एंड आज उन्होंने चेक किया तो माई बॉडी इज़ लाइट रिलैक्स. And yes, there is a fire energy in me, so that balance needs to be there. तो उन्होंने मुझे कुछ योगा करने कहा है, डाइट करने कहा है, तो वो मैं फॉलो करूँगी. आई थिंक हम सबको करना चाहिए. हर तरह की थेरेपी इज़ वेरी गुड. पता नहीं किसको कौन सी चीज़ काम आ जाए. सो गाइज, आई रियली हैड अ गुड टाइम हियर इन चिराई बीच रिसोर्ट विथ प्रकृति डॉट लाइव. द डॉक्टर इज़ अमेजिंग. आप लोग को भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कम एंड कॉन्टैक्ट देम. एवरीथिंग डिटेल इज देयर, इट्स ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड. सो नमस्ते, ही इज नेजल, ही इज मैनेजर हियर इन चिराई बीच रिसोर्ट. एंड नेजल थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस स्टे एंड वेरी गुड स्टाफ, वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी. द व्यू इज अमेजिंग एंड पता नहीं चला 7 दिन कहाँ चला गया. एंड योर प्रकृति डॉट लाइफ क्रिया आई विद डॉक्टर इज वेरी वेरी गुड. I am already feeling very good, so you all must come here and detox yourself and chill here. Thank you so much. Thank you. Bye. Today is my last day in this beautiful place. I had a great time. I detoxed, I rested, which was very very important for me. And hum sabko karna chahiye apne busy schedule se time nikal kar apne liye time nikalna bahut zaruri hai. आपको अपने माइंड बॉडी और सोल पे वर्क करना चाहिए. ये बर्थडे मैंने अपने आप को ऐसे ही गिफ्ट किया है. कल बॉम्बे एंड उसके बाद अनदर डेस्टिनेशन मैं आपको लेके चलूँगी. मैं अभी ट्रैवल मोड पे हूँ. सो गाइस स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दीपशिका की चुलबुली दुनिया. लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. ऐसे चुलबुली बाय.